नमस्कार। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है। राज्य में 13 निर्दलीय विधायकों में 12 कांग्रेस के साथ है। ऐसे में अशोक गहलोत को ऐसा क्यों लगता है कि उनके विधायक बिक सकते हैं? राज्य के लिए होने वाले राज्यसभा के चुनाव में उनके विधायक बिक करके उनके उम्मीदवार के बदले किसी और को वोटिंग करके जिता सकते हैं? अक्सर कांग्रेस शासित राज्यों के विधायकों को बिकने का जब भी अंदेशा, संदेश, संशय बनता था तो जयपुर में उन विधायकों को छुपाया जाता था। लेकिन अब की बारी गहलोत सरकार के विधायकों की है तो दिल्ली जयपुर रोड के एक रिसॉर्ट में कांग्रेस और उसके समर्थन करने वाले 12 निर्दलीय विधायकों को रिसॉर्ट में छुपाया गया। सब कुछ पार्टी में ठीक चल रहा है तो एक ही मंच पर गहलोत और सचिन पायलट को दिखाया गया। सचिन पायलट ने कहा कि सब कुछ ठीक है, हमारे विधायक बिकने वाले नहीं हैं, हम साथ साथ हैं। ऐसी बातें उन्हें कहने की जरूरत पड़ती है आमतौर पर, जो साथ साथ नहीं होते हैं। सचिन को पता है कि गहलोत ने अपनी जिद से राजस्थान के लिए जो दूसरे उम्मीदवार को खड़ा किया है वो उनका घोर विरोधी है, जिसे वो पसंद नहीं करते। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और उसी केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को वायनाड से टिकट दिलवाकर जितवाया था। उसी केसी वेणुगोपाल को उसके बदले इनाम में राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाना है। लेकिन दूसरा जो उम्मीदवार कांग्रेस का है वो नीरज डांगी है। नीरज डांगी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार विधानसभा हार चुके हैं। माना जा रहा है कि वो गहलोत कोटे के हैं, जिसे सचिन पसंद नहीं करते थे। गहलोत ने इससे पहले भी जितने उम्मीदवार दिए वो सचिन की पसंद के नहीं थे। अब ये तो घोर प्रतिद्वंदी बताए जा रहे हैं। ये सबको पता है कि सचिन लगातार नाराज चल रहे हैं गहलोत से। सचिन इस बात को लेकर नाराज तब से है जब से गहलोत सीएम बने। उन्हें लगता था कि प्रदेश में सीएम उन्हें बनना चाहिए था, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष थे और उन्होंने जीतोड़ मेहनत की थी। ये द्वंद जब सीएम बनने के चयन को लेकर के था, देश ने देखा था। और कई बार गहलोत कहते हैं कि किसी को ये भ्रम है कि वो सीएम का उम्मीदवार है और प्रदेश उन्हें सीएम मानता है। हर कोई जानता है कि गहलोत हमेशा ये सचिन पायलट पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन जब स्थिति ऐसी हो गई कि कमलनाथ सरकार की बलि इसी राज्यसभा के चुनाव ने ले ली तो कांग्रेस सचेत होने की कोशिश करती है। आलाकमान का लगातार दबाव है कि राज्यसभा चुनाव के कारण राजस्थान की मध्य प्रदेश गत ना हो, गहलोत की कमलनाथ गत ना हो, इसीलिए जद्दोजहद है। लेकिन इस जद्दोजहद में यह आरोप लगाना गुरुवार को कि 25 करोड़ का ऑफर हमारे विधायकों को दिया जा रहा है लेकिन वो बिकने वाले नहीं हैं, यदि बिकने वाले नहीं हैं तो फिर छुपाए क्यों जा रहे हैं? सचिन पायलट को मंच पर लाकर ऐसा क्यों बताया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है? सचिन कहते हैं कि आंकड़े उनके पास हैं, लेकिन हम 2 उम्मीदवार खड़े इसलिए किए हैं कि हम जीतेंगे। दरअसल राजस्थान में जो 200 विधानसभा सीट के लिए, उसमें 107 कांग्रेस के पास है, 13 में 12 विधायक निर्दलीय उनके साथ हैं। और ऐसे कंडीशन में जो पीछे 6 जो बसपा के विधायक थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे कंडीशन में भाजपा के पास वहां पे 72 मात्र विधायक हैं अपने और कुछ निर्दलियों का साथ उनके पास है। कांग्रेस को दरअसल डर इस बात का लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग न कहीं हो जाए, और इसीलिए डर कांग्रेस का इस बात को ज्यादा है कि भाजपा के पास एक ही राज्यसभा सीट के लिए ताकत है लेकिन उसने 2 क्यों खड़े कर दिए? राजेंद्र गहलोत और अशोक सिंह को राजस्थान में क्यों उम्मीदवार बनाया गया जबकि भाजपा के पास ताकत सिर्फ एक ही व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की है? कांग्रेस की बेचैनी दरअसल इसी बात को लेकर के है कि जब 3 ही सीट राजस्थान में है राज्यसभा के लिए वर्तमान में, ऐसे में जब एक ही
व्यक्ति को राज्यसभा भेजने की क्षमता कांग्रेस के बीजेपी के पास है तो उसने दो क्यों खड़े किए हैं। दरअसल 51 विधायकों के वोट से राज्यसभा किसी को भेजा जा सकता है, ऐसे कंडीशन में मात्र 72 विधायक होने के कारण भाजपा एक ही को भेज सकती है। लेकिन क्या अंदर खाने राजस्थान की स्थिति मध्य प्रदेश की गत हो चुकी है? ऐसा इसलिए क्योंकि अंतिम समय तक मध्य प्रदेश के सिपह सालार 10 जनपद के करीबी खुद को भारतीय राजनीति में मध्य प्रदेश की राजनीति में चाणक्य समझने का अहंकार करने वाले दिग्गी राजा ये मानते थे कि यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकाल भी दिया जाए, यदि वो बार भी हट जाएं, तब भी कमलनाथ सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया जाता तो कमलनाथ की सरकार बच जाती। लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को इग्नोर करने से वो पार्टी के विधायकों को तोड़ सकते हैं। ठीक यही हालात राजस्थान में सचिन पायलट की है। जो महत्वाकांक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी, सिंधिया को हमेशा लगा कि कमलनाथ के बदले उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए, और यह टकराहट उस समय में दोनों राज्यों में दिखा था जब दोनों राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में दो दो व्यक्ति जोरदार ढंग से उम्मीदवारी अपनी दर्ज कर रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य, ठीक उसी ढंग से राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत और प्रियंका गांधी को इसमें बीच में आना पड़ा, जबकि अध्यक्ष राहुल गांधी थी। वो तस्वीरें आई कि प्रियंका और राहुल के साथ इन दोनों ने तस्वीरें खिंचवाई और संदेश देने की कोशिश की गई कि मनाया आखिरकार प्रियंका गांधी ने कि दोनों बुजुर्ग को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और भविष्य में ये सब बनेंगे। लेकिन हालात ठीक नहीं रहे, उसकी परिणति दिखी, कमलनाथ सरकार की बलि चढ़ गई। तो क्या राजस्थान की बलि गहलोत सरकार की होनी है? क्या ऐसा माना जाता है कि गहलोत गए इसलिए क्योंकि आज जिस ढंग से वो मीडिया के सामने आए और जो जो बातें की, वो ऐसा लगता है कि हारे और थके हुए लग रहे थे। ये संदेश देना कि इस देश के डीएनए में कांग्रेस है, यदि इस देश के डीएनए में कांग्रेस है तो फिर उन्हें क्यों अंदेशा हो रहा है कि उनके विधायक बिक जाएंगे, उन्हें खरीदा जा रहा है? क्यों रिजॉर्ट में उन अपने विधायकों को बंद कर रखा है जबकि सरकार मध्य प्रदेश में उन्हीं की है? ऐसे में उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यह अपने आप में एक अहम सवाल है जिससे यह ऐसा प्रतीत होता है कि डरे हुए गहलोत इस भय में हैं कि उनकी भी कमलनाथ गत हो सकती है, और जैसे कमलनाथ गत होने से सिंधिया को कुछ नहीं मिला, सिंधिया भी नहीं बन पाए, सरकार भी चली गई, क्या वही गत राजस्थान में होने वाली है या राजस्थान में कुछ अलग होने वाला है? राजस्थान में क्या ऐसा लगता है कि गहलोत के विरोधी सचिन वहां मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या पार्टी टूट जाएगी? क्योंकि अंतिम समय तक मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है ये न दिग्गी राजा को पता चला, न कमलनाथ को, न उनकी किसी खुफिया एजेंसी को पता चला। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने क्राइम ब्यूरो को पूरी जिम्मेदारी दे दी है कि इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक जो शाखा है सरकार की, उसे एक तरह से जिम्मेदारी दी है विधायक के बिकने की खबर को लेकर के, कि जो आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं इस मामले की सरकार जांच कराएगी। लेकिन डरे हुए गहलोत का बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं, संकेत देते हैं कि क्या गहलोत की कमलनाथ गत जल्द ही होने वाली है। यदि ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।